हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि एक रैट ट्रैप क्या होता होगा? जो कि ऑलमोस्ट आपको हर घर में मिलता होगा, जो आप यूज़ करते हैं एक छोटे से चूहे को पकड़ने के लिए, जिसमें आप बेट क्या होती है, एक ऐसी आइटम, एक ऐसी चीज़ जो उस चूहे को एंटाइस करेगी, उसको लालच देगी और अल्टीमेटली वो उसमें आके फंस जाता है। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रैट्रैप। और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बार देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है आगे। तो अब आपके सामने रैट्रैप की स्टोरी मैं प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना है आपको कि इसमें मेन कैरेक्टर जो हैं वो रैट्रैप सेलर है, यानी जो चूहे को चूहे पकड़ने वाला जो पिंजरा है उसको सेल करता है। अब आप देखिए कि अगर कोई इंसान ऐसा काम करेगा तो क्या वो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट तो कमाएगा नहीं, लेकिन इस इंसान के साथ उससे भी बड़ी ट्रेजडी क्या है कि लाखों करोड़ों तो छोड़ो, इसको तो यह है कि भूखा रहना पड़ता है कई बार। और रैट्रैप बनाने के लिए जो वायर भी है ये मांगता है, भीख मांग कर जो है, कभी स्टोर के बाहर से, कभी किसी फैक्ट्री के बाहर से ऐसे भीख मांग के, तो इस तरह जो है ये रैट्रैप बनाकर बेचता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसका कोई भी रैट्रैप सेल नहीं होता और ना ही इसके पास कोई पैसा है, तो सारा दिन जो है इसे पता है भूखा रहा हूँ और शायद रात भी जो है भूखे रहकर बितानी होगी। इसलिए इसे लगा कि मुझे जो है दुनिया के बारे में भी अच्छा नहीं सोचना, और ये कहता है कि द होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ बिग रैट ट्रैप, क्योंकि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, इसके साथ कभी काइंड नहीं था, लोगों ने कभी इसे प्यार से बात नहीं की थी, और इसको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, यानी जिसको इसने एक पिंजरे से कंपेयर किया है, उसमें बड़े सारे लोग जो हैं फंसे हुए हैं और बाकी लोग अब एक लाइन में लगे हुए हैं और फंसने की इंतज़ार कर रहे हैं। ये वर्ल्ड जो है रिचिस और बहुत सारी चीज़ों के साथ उनको एंटाइस करता है ताकि वो लोग जो हैं फंसते चले जाएं, जैसे कि एक चूहे के पिंजरे में बेट रख दी जाती है और बेट से वो चूहा फंसता चला जाता है। बेट होती है कोई भी एक पनीर का टुकड़ा कह लो आप, या ब्रेड का टुकड़ा बोल दो, ऐसी जो है वर्ल्ड इनको एंटाइस करता है। तो यही सोचते सोचते इसने एक बूढ़े आदमी के घर के बाहर नॉक किया, उस बूढ़े आदमी ने इसको अंदर आने का इन्विटेशन दिया, कारण क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला था, उसे कंपनी चाहिए थी, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो बात करे, तो उसने इसी रैट्रैप सेलर को जो है वेलकम किया और बुला लिया। और एक पोरिज पॉट क्या होता है, यानी दलिया जो है बनाने वाला बर्तन, वो उसने फायरप्लेस पे रख दिया। फिर उसने इसके साथ बातें करनी शुरू की, इसके साथ कार्ड गेम खेला जो कि मजोलिस गेम है, और साथ में खिलाया तो हो था ही उसको, और फिर इसके साथ शेयर किया अपने सबसे बड़ा सीक्रेट कि मैं जब यंग था तो एक आयरन वर्क्स में काम करता था, एक क्रॉफ्टर कह सकते हो तुम मुझे, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं अपनी काओ पे डिपेंड करता हूँ और उसी का मिल्क सेल करके जो मैं है अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। यही नहीं, ये देखो मैंने क्या किया है, लास्ट मंथ इसी काऊ के मिल्क को एक क्रीमरी पर सेल कर मैंने 30 क्रोनोर, यानी 10 क्रोनोर के 3 नोट्स, हम ये कह सकते हैं, जो कि स्वीडन की एक करेंसी है, वो इसने अर्न किए हैं। तो ये देखकर जो है रैट्रैप सेलर बहुत हैरान होता है कि इस बूढ़े आदमी का शायद दिमाग खराब हो चुका है। और मॉर्निंग में क्या होता है, जब दोनों उठते हैं, पहले तो मालिक उठा तो रैट्रैप सेलर को लगा कि मुझे भी उठ जाना चाहिए, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में चल पड़ते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी काऊ का मिल्क निकालने के लिए गया, रैट्रैप सेलर जो है वो हाफ एन आवर लेटर फिर से वापस आता है घर में। इस बार उसने विंडो के थ्रू एंटर किया, सिर्फ वही जो पाउच जिसमें वो 30 क्रोनोर थे उस पर अटैक किया और वो पैसा लेकर वहाँ से चला गया, और अपने आप को समझता है कि मैं कितना क्लेवर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ। पहले उसने रोड का रास्ता फॉलो किया, लेकिन उसे लगा कि मैं फंस जाऊँगा, तो उसने जंगल का रास्ता फॉलो किया, लेकिन जंगल में जाने के वक्त वो भूल गया कि दिसंबर का वक्त है, ठंड बहुत है, ऑटम सीज़न है और अंधेरा भी जल्दी हो गया,
और उसके बाद वो फंसता ही चला गया। उसे लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, और उसे वही अपनी कही हुई बात याद आ जाती है, जैसे कि द वर्ल्ड सेट्स अ बेट फॉर एवरीवन, और एक ना एक दिन हम उसमें फंसते ही चले जाते हैं। इसे लगा वो 30 क्रोनोर इसके लिए एक बेट थी जो सेट की गई थी, और इसकी वजह से आज वो उसमें फंस गया और उसका एंड ऑलमोस्ट आ चुका है। लेकिन जैसे वो नीचे गिरा, नीचे गिरते ही उसे आवाज़ आती है हैमर की, इसका मतलब है कहीं आसपास कोई आयरन वर्क्स है। तो ये उसी आयरन वर्क्स की डायरेक्शन में चल पड़ा किसी तरह हिम्मत जुटाकर। वहाँ पहुँचने के बाद इसने डोर ओपन किया, ओपन करने के बाद ये बिल्कुल जो है फोर्ज, FORGE, फोर्ज जो होती है वो होती है भट्ठी। यहाँ पर लोहे को पिघलाने का काम यानी स्मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन होती थी। जो ब्लैक स्मिथ है उसे नहीं मालूम हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉइजेस थे जिसकी वजह से शोर था बहुत। उसे पता नहीं चला कैसे कोई दरवाज़ा खोल के इतनी पास आ चुका है, और जब उसने देखा कि ये रैग्स में है, फटे पुराने कपड़े में है, लॉन्ग बियर्ड थी इसकी, और इसने जो है एक कॉर्नर पे भट्टी के पास जो है लेट जाता है फायरप्लेस के पास, ताकि इसको थोड़ी हीट मिले और कुछ बेटर लगे। एक्चुअल में वहाँ पर ऐसे लोग आते जाते रहते थे, तो इस वजह से जो ब्लैक स्मिथ है उसने इसको कुछ कहा भी नहीं। लेकिन उन दोनों रामसो आयरन वर्क्स, जहाँ जो वो काम करता है आयरन मास्टर जो है उसका मालिक है, और ब्लैक स्मिथ एवरीडे वहाँ पर हार्ड वर्क, उसका जो एक अप्रेंटिस है वो भी हार्ड वर्क करते हैं, उसका मालिक जो है वहाँ पर आया इंस्पेक्शन के लिए आयरन मास्टर, उसने देखा इस आदमी को और उसे लगा कि ये उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है नील्स ओलोफ या कैप्टन वोन्सटेल। उसने इसको बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि उसकी जो वाइफ है आयरन मास्टर की जिसका नाम है एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है और उसके बच्चे जो हैं अब्रॉड में हैं, वो अकेला है, लेकिन एक बेटी है बड़ी जिसका नाम है एडला विलमेंसन, जो उसके साथ उसके घर पर है इस टाइम। तो कल क्रिसमस है, तुम मेरे साथ घर चलो, इसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। लेकिन साथ में इसने ये भी नहीं बताया कि ये उनका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसको ये उम्मीद थी कि शायद वो इस पर तरस खा के इसको कुछ पैसा देगा। लेकिन आयरन मास्टर के जाने के बाद हाफ एन आवर लेटर उसकी बेटी आती है, वो इसको मना कर ले जाती है, और घर जाकर जब उसने अपने फादर से आयरन मास्टर से बोला कि मुझे ये आदमी जो है कैप्टन तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये चुरा कर भागा हो किसी के पैसों को, या जेल से भागा हो, डरा डरा सा लग रहा है। लेकिन फादर ने बोला मॉर्निंग में देखना, जब ये शेव करके आएगा तो तुम्हें लगेगा कि वाकई ये कैप्टन है। लेकिन मॉर्निंग में भी जब ऐसा हुआ कि वो शेव करके आता है तो वो कैप्टन किसी एंगल से नहीं लगता, ऑब्वियसली वो आदमी था ही नहीं। तो आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन रैट्रैप सेलर ने कहा मैंने तो आपको नहीं बोला था, आप ही मुझे लेकर आए हो, तो ज़्यादा है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एडला विलमेंसन ने बड़ी पोलाइटली बोला कि नहीं, आज क्रिसमस है तो इसको हमारे घर पर आज रुकने दो, क्योंकि ये हमारा मेहमान है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आदमी सो जाता है, फिर उसको थोड़ी देर में उठाया जाता है, फिर खाना खाया, कुछ खाया, सो गया, फिर दोपहर को उठाया, लंच किया, फिर सो गया। तो एडला अपने फादर को कहती है मुझे लगता है ये आदमी कई सालों से सोया नहीं है। फिर उसके बाद जब क्रिसमस ट्री के लिए इसको फिर से उठाया गया, उसके बाद खाना खाया, डिनर किया, बीच में ये 2 घंटे का गैप ही इसने लिया सोने के लिए, तो एडला ने इसको बोला कि मेरे फादर ने तुम्हें ये ड्रेस और शूज़ सब कुछ गिफ्ट दे दिया है, नेक्स्ट ईयर अगर तुम हमारे घर आना चाहते हो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है क्रिसमस ईव पर। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एडला अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ जाती है चर्च, और वहाँ पर उन्हें क्या सुनने में आता है कि एक रैट्रैप सेलर को, यानी हम ये कहें एक ओल्ड मैन को जो है उसको रैट्रैप सेलर ने लूट लिया है, उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो उसके फादर ने बोला ओह माय गॉड, ये आदमी तो हमारे घर पर है और मे बी मेरे सारे सिल्वर स्पून यानी चांदी के चम्मच चुरा के भाग गया होगा। और दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं, घर पहुँचते हैं और वैलेट यानी अपने जो नौकर को पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है, तो उन्हें पता लगता है कि वो आदमी तो जा चुका है। लेकिन
वो लेकर कुछ भी नहीं गया, आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़कर गया है, वो क्या है, एक स्मॉल रैट ट्रैप। उस स्मॉल से रैट ट्रैप में क्या है, एक लेटर है, क्रश किए हुए 30 क्रोनोर के नोट्स हैं, और एक लेटर में क्या लिखा है, फ्रॉम कैप्टन वॉन्सटेल, यानी आपने मुझे कैप्टन समझा तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कैप्टन की तरह बिहेव करूं, और इसीलिए मैं आपके लिए, पर्टिकुलरली आपकी बेटी के लिए, एडला के लिए बहुत थैंकफुल हूं कि एडला ने जो है मुझे इतना सपोर्ट किया, अपनी लाइफ में रेज करने का, अपनी लाइफ में ऊपर उठने का मौका दिया, और मैं अब एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये पैसा उस ओल्ड मैन को वापस कर देना बस। और इतना ही लिख कर उसने नीचे साइन कर दिया, कैप्टन वॉन्सटेल। अब आयरन मास्टर सोचता है, जो कि इस चैप्टर का कंक्लूजन भी है, कि अगर हम किसी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो इंसान बदलने की जो है अपनी काबिलियत रखता है, अपने आप को बदलने की। तो शायद ये उनकी अच्छाई थी जिसकी वजह से उस इंसान ने अपने आप को बदलने का मौका दिया। तो इस तरह स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस। और मेरी अपील आपसे हमेशा वही रहती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।